राजधानी रायपुर निगम की सफाई ठेकेदारों ने भुगतान नहीं होने पर सफाई बंद करने का ऐलान किया है। ठेकेदारों ने बताया कि 3 माह का करीब 9 करोड़ का भुगतान बाकी है। लगातार त्योहार चल रहे हैं, पैसा रुका होने से कर्मचारी दुखी हैं। वहीं कमिश्नर का कहना है कि हमारे पास अभी फंड नहीं है, आपको जो करना है कर लीजिए। अब इस त्योहार को देखते हुए हमारी स्थिति बहुत, सभी ठेकेदारों की स्थिति बहुत डाउन हो गई है। तो हम इसमें बिना अभी पेमेंट के हम रक्षाबंधन निकाल दिए। गणेश चतुर्थी आ रही है, छत्तीसगढ़ पर्व त्योहार, हमारी माता बहनों का जो अभी राखी निकाल दी है, लेकिन तीजा आ रहा है, अब उसका नवाखाई आ रहा है। ये सारी इसके देखते हुए हम लोग ये फैसले लिए हैं। बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुआ करके हम डिसीजन लिए हैं सर। तो हम कमिश्नर को पहले लेटर दिए थे कि हमारा भुगतान नहीं हो पाया है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। हम लोग दोबारा मिलने की कोशिश किए तो कमिश्नर साहब मिले कि हमारे पास भुगतान नहीं है, व्यवस्था नहीं हो पा रहा है और हम नहीं दे पाएंगे भुगतान, यदि आपको जो करना है कर लो, ऐसा कमिश्नर साहब बोले। उसके बाद हम लोग आज सब सारे ठेकेदार को मीटिंग बुलाए थे कि वार्डों में काम बंद रहेगा कल से। कब तक काम बंद रहेगा? जब तक भुगतान नहीं हो पाएगा। प्रदेश में